देवरिया कांड के बाद नींद से जागे प्रशासन ने जिले में ताबड़तोड़ कार्यवाही शुरू कर दी है। देवरिया नारी निकेतन के खुलासे से मचे कोहराम के बाद प्रदेश भर के नारी निकेतन शिशु केंद्र पर निरीक्षण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के सख्त रुख अपनाने को लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा है। नारी निकेतन केंद्रों की लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि शहर के शाहगंज थाना अंतर्गत स्थित आशा ज्योति केंद्र में रखी गई एक किशोरी को 4 दिन पहले यहां लाया गया, जो अचानक कहीं गायब हो गई। इसकी जानकारी यहां के कर्मचारी और तैनात पुलिस कर्मियों ने अधिकारियों तक को नहीं दी है। माना जा रहा है कि आशा ज्योति केंद्र पर तैनात पुलिस कर्मियों की लापरवाही के कारण किशोरी गायब हुई है। इस पूरे मामले में जांच के बाद एसएसपी नितिन तिवारी ने तैनात महिला दरोगा समेत सभी 10 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच में शुरू हो गई है। आशा ज्योति केंद्र की प्रभारी महिला दरोगा उर्मिला सिंह और सिपाही ममता देवी, कृति रोली, आरती पंपी सिंह, रेखा सिंह वैशाली, वंदना त्रिपाठी और प्रभा वाजपेयी को फिलहाल लाइन में भेजा गया है। जिसमें एक लड़की के आदमी के प्रकाश में है आशा ज्योति केंद्र। हाँ, आशा ज्योति केंद्र से 4 तारीख की सुबह, 4 अगस्त की सुबह में एक महिला जिसे दाखिल किया गया था वो बिना बताए चली गई थी। हालांकि वो आज अभी शाम को बरामद भी हो गई है। इस मामले में अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसमें आशा ज्योति केंद्र की जो महिला कांस्टेबल और निरीक्षकों द्वारा इसमें लापरवाही बरती गई, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट दे दी गई है। वो आशा ज्योति केंद्र में उस समय ड्यूटी पर जो महिलाएं थीं और जिनकी बाद के दिनों में भी जिम्मेदारी बनती थी, उनके सभी के खिलाफ भेजी गई है। लगभग 8 या 9 महिलाएं हैं जिनके खिलाफ रिपोर्ट भेजी गई है। अर्थ 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट रोहित शर्मा।